धौलपुर जिले में अवैध शराब को लेकर बसेड़ी और देहोली पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए दो शराब माफियाओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 115 शराब के क्वार्टर बरामद भी किए हैं। पहली कार्यवाही में देहोली थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से अवैध शराब के 57 क्वार्टर बरामद किए गए हैं, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। कार्यवाही को लेकर देहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि वर्ष 2011 में राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में कोर्ट से एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर राजाखेड़ा कोर्ट ने वारंट जारी किया था। कोर्ट के वारंट के बाद फरार चल रहे आरोपी केविंद्र उर्फ किविंद्रा पुत्र वैजनाथ निषाद निवासी जैतपुर द्वारा अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर थाने से एक टीम भेजकर फरार आरोपी को अवैध शराब के 57 क्वार्टर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोलारी और सैपू थाना पुलिस ने अलग अलग कार्यवाही करते हुए दो लोगों को अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। सैपू थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की टीम ने कैथरी बॉर्डर के पास खड़े युवक की तलाशी ली तो उसके पास से जिंदा कारतूस के साथ लोडेड 315 बोर का देसी कट्टा मिल गया। अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी रामराज पुत्र रम्मे गुर्जर निवासी मासलपुर जिला करौली के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी कार्यवाही को लेकर कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह ने बताया कि मालूनी खुर्द स्थित पार्वती रपट के पास से आरोपी संतोष कुमार उम्र 31 साल पुत्र बुद्धाराम को 315 बोर के देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर हथियार की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में मानस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नव दुर्गा एवं दीपावली के उपलक्ष में लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। एलईडी एलसीडी वॉशिंग मशीन एसी की खरीद पर निश्चित उपहार फ्री पाए। हमारे यहाँ डबल बेड ड्रेसिंग टेबल सोफा सेट कुर्सी फ्रिज एलईडी एलसीडी सिलाई मशीन मिक्सी अलमारी गद्दे वॉशिंग मशीन कूलर आदि का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ शादी पार्टी एवं विवाह का फर्नीचर ग्राहक के मन पसंद से भी तैयार किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर आपके जाने पहचाने अजय मित्तल तसीमो वालों का शोरूम। मोबाइल नंबर 7877-06-0049। बिना टिकट अनाधिकृत यात्रा करते और स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध विशेष किलाबंदी कर टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल के निर्देशानुसार व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आगरा अमन वर्मा के निर्देशन में सहायक वाणिज्य प्रबंधक वीरेंद्र सिंह आगरा के नेतृत्व में बिना टिकट यात्रियों की रोकथाम के लिए धौलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध स्टेशन पर जांच की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जांच के दौरान 138 बिना टिकट यात्रियों से 53,550 रुपये, अनाधिकृत यात्रा करने वाले 21 यात्रियों से 10,920 रुपये तथा 16 यात्रियों से गंदगी फैलाने धूम्रपान करने के फलस्वरूप 1,800 रुपये सहित कुल 175 यात्रियों से 66,270 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस चेकिंग की जांच पर्यवेक्षक रासिद जमील के साथ बलजीत सिंह सीटीआई मोहम्मद गुलजार एवं अन्य टिकट जांच कर्मचारी मौजूद रहे। जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की जांच मंडल में निरंतर कराई जा रही है, जिससे बिना टिकट यात्रा, अनियमित यात्रा, बिना बुक लगेज, गंदगी फैलाने वालों यात्रियों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने यात्रियों से अनुरोध किया कि वह उचित यात्रा टिकट लेकर एवं निर्धारित सीमा से अधिक सामान को बुक कराकर ही यात्रा करें।
धौलपुर जिला अस्पताल में मौसमी बीमारियों की चपेट में आए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं, जो मौसमी बीमारियों के साथ डेंगू से भी पीड़ित हुए हैं। जिला अस्पताल में इलाज की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से ग्रामीण और शहरी लोग सीधे यहां पहुंचकर अपने बच्चों का इलाज कर रहे हैं, जिससे बच्चा वार्ड की तीनों यूनिट ओवरलोड है। कुछ समय पहले जिला अस्पताल में बच्चों के लिए अलग वार्ड भी बनाए गए, ताकि उनको बाहर का रुख ना करना पड़े। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्म सिंह मेनावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण इस समय मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। जिला अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए लोग अब ज्यादातर सरकारी अस्पताल में ही अपने बच्चों का इलाज करवा रहे हैं। डॉक्टर मेनावत ने कहा कि इस समय बच्चों के खान पान पर ज्यादा ध्यान रखें और एसी कूलर से बच्चों को दूर ही रखें। बच्चों को पूरे कपड़े से ढकने की सलाह देते हुए डॉक्टरों ने बच्चों का समय समय पर चेकअप कराने की एडवाइजरी जारी की है। अग्रसेन जयंती महोत्सव के चौथे दिन अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में अग्रसेन सेवा समिति बाड़ी द्वारा मानस के राम कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम भगवान राम की जीवनी से प्रेरित था। सबसे पहले भगवान राम के चित्र एवं भगवान अग्रसेन की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष योगेश मंगल मोनू ने राम के जीवन चरित्र से युवा क्या सीख ले सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला। उसके बाद वक्ताओं की श्रेणी में वारा वक्ताओं ने राम के विचारों से सदन को उनका समाजवाद, परिवारवाद, उनके संस्कार, उनके कुशल नेतृत्व क्षमता आदि से अवगत कराया। जब वक्ताओं ने बोलना शुरू किया तो पूरा सदन राम के जय घोष से गूंज उठा। हर व्यक्ति मानस के राम में राममय हो गया। मंच का संचालन विशाल गर्ग व दीपक गोयल ईओ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में तुलसीदास जी बने स्वरूप द्वारा सभी राम भक्तों को घिस कर चंदन लगाया गया। अंत में अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया और सभी वक्ताओं को रामचरितमानस की पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश सिंगल रहे। बाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट। मंडल पिपरौन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बसेड़ी धौलपुर राजस्थान ईआरसीपी केंद्र के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। विधानसभा बसेड़ी के गांव पिपरौन व हरजूपुर में मंडल अध्यक्ष धनीराम कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ पुरुषों ने अपने कपड़े उतारकर खाली मटके को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही महिलाओं ने भी सिर पर खाली मटके रखकर केंद्र सरकार के प्रति उग्र प्रदर्शन किया। जिस समय ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव खिलाड़ी लाल शर्मा, जिला परिषद सदस्य राजवीर सिंह, बनवारी लाल शर्मा, राम अवतार तोमर, बच्चों सिंह, राजवीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, जगन्नाथ सिंह परमार, अमर सिंह कुशवाहा, विनोद चंद्र, मुकेश कुशवाहा, सोनू बंसल, अजय बंसल, सौरभ बंसल आदि कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव का कार्यक्रम पुरानी छावनी हनुमान मंदिर पर आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 2 वर्ष के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डाक सहायक संवर्ग में लगातार तीसरी बार महेंद्र शर्मा को मंडल सचिव नियुक्त किया गया। विष्णु त्यागी को कोषाध्यक्ष, बनवारी त्यागी कार्यकारी अध्यक्ष, अशोक कुशवाहा को अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया। साथ ही पोस्टमैन MTS वर्ग में जितेंद्र त्यागी सचिव, श्रीकांत शर्मा अध्यक्ष, रोहित गुर्जर कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अवसर पर नव नियुक्त मंडल सचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि भारतीय डाक कर्मचारी संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है तथा कर्मचारियों की समस्या उठाने के साथ ही विभाग के प्रति पूरी तरह समर्पित यूनियन है। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के महेंद्र गुर्जर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा, ग्रामीण डाक सेवक संघ के पूर्व सचिव ब्रजमोहन शर्मा, विवेक बंसल, आशीष गोयल, अखिलेश लोहिया, करण तिवारी, मनोज शर्मा, भगवान दास, कलूटी त्यागी, राहुल गौड़, नारायण लाल, प्रशांत शर्मा इत्यादि कर्मचारी मौजूद रहे। घर घर हुई घट स्थापना, पांडालों में गूंजे जय माता की जयकारी।
जिले ही नहीं अपितु पूरे देश में नर्मदुर्ग का घट स्थापना का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने एक दिन पहले ही पांडालों को लाइट डेकोरेशन और फूलमालाओं से सजाया। 15 अक्टूबर 2023 रविवार को 9:11 से 10:24 तक माता के भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने नवदुर्गा स्थापना की विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ प्रतिष्ठा की गई, जिसमें आचार्यों ने देवी प्रतिष्ठा के मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से नवदुर्गा स्थापना करवाई, जिसमें फल फूल मिष्ठान एवं पुष्प माला और धूप दीप के द्वारा माता रानी की पूजा अर्चना की गई। धौलपुर से सुखदेव गांगुलिया की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई माता की स्थापना। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर नंबर 3 में कलश यात्रा के साथ माता को बैंड बाजों के साथ जयकारे लगाते हुए नाचते कूदते व माता की आरती करके बड़े ही धूमधाम के साथ माता की स्थापना की गई। इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। घट स्थापना के बाद जगह जगह विराजी आदिशक्ति माँ दुर्गा। बसेड़ उपखंड क्षेत्र के गांव ममोदन में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माता रानी के नवरात्रि पर्व शुरू होने से पहले ही विशेष साज सज्जा की गई और आज घट स्थापना के बाद मां भगवती को स्थापित किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक ममोदन गांव में प्रत्येक वर्ष मां भगवती का नवरात्रि जागरण किया जाता है, जिसमें भक्तों द्वारा विशेष पूजा अर्चना के साथ माता की भेंटों का गायन किया जाता है। अष्टमी के दिन माता को 56 प्रकार के भोग और कक्षा 10वीं को 12वीं में अच्छे अंक हासिल करने वाले छात्रों को मंच पर सम्मानित किया जाता है, जिससे कि लोगों में धार्मिक आस्था के साथ साथ शिक्षा के प्रति एक रुझान बना रहे। ग्रामीणों ने बताया कि इस प्रोग्राम में युवा साथी एकता और भाईचारे की भावना के साथ 9 दिनों में माता की विशेष भक्ति में लीन नजर आते हैं।